शादी के लिए ये रिश्ता की कीर्ति ने छोड़ दिया था बसा बसाया करियर। ससुराल वालों की खातिर ग्लैमर इंडस्ट्री को अलविदा कहने में नहीं लगाई थी देर। तो रीवा की राजकुमारी अब पति और बेटे के साथ ऐसे अपनी जिंदगी रही है गुजार। जी हाँ, टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह अब लाइमलाइट की दुनिया से दूर अपनी जिंदगी गुजार रही है। रीवा की राजकुमारी ने पूरी तरह से ग्लैमर इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ लिया है। इस वक्त वो अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हुए नजर आती हैं। वहीं फैमिली जिसकी खातिर मोहिना ने अपने बसे बसाए करियर की कुर्बानी दे दी थी। 18 जुलाई 1988 में आज के ही दिन जन्मी मोहिना राजघराने से ताल्लुक रखती है। उनके पिता रीवा के महाराजा है। शाही खानदान से आने वाली मोहिना परिवार की पहली ऐसी लड़की रही जो एक्टिंग की दुनिया में आई थी। ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि मोहिना तो डांसर भी कमाल की है। वो टीवी शो डांस इंडिया डांस का भी हिस्सा रह चुकी है। मोहिना के करियर में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन शादी करने की वजह से उन्होंने इससे दूरी बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। और फिर मोहिना ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज के बेटे सुयश से शादी कर ली। मोहिना कुमारी और सुयश रावत की शादी एक अरेंज मैरिज थी। शाही अंदाज में मोहिना ने सुयश संग 7 फेरे लिए थे। यहाँ तक कि उनकी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। मोहिना की शादी अपने आप में यादगार रही थी क्योंकि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग उनकी शादी के गवाह बने थे। 18 अक्टूबर 2019 को हुए इस राजसी शादी में भारी संख्या में लोग दावत के लिए पहुंचे थे। ये शादी हरिद्वार में आयोजित हुई थी और शादी का वेन्यू इतना विशाल था कि बस दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे थे। जिस परिवार में मोहिना शादी करके गई थी वो एक ऐसा परिवार था जो लाइमलाइट से कोसों दूर रहता था। ऐसे में जब शादी के बाद ससुराल में बहू के रोल को निभाने की बात आई तो मोहिना ने जगह जगह पर अपनी सास और जिठानी की मदद ली थी। मोहिना ने अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद का ख्याल करते हुए सारे काम किए ताकि उनकी वजह से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। अब मोहिना अपने ससुराल में बेहद खुश है। उनका अपनी सास से लेकर जिठानी तक के साथ बेहद करीबी रिश्ता है। वहीं शादी के बाद मोहिना एक बेटे की मां भी बन चुकी है। साल 2022 में ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। मोहिना के मां बनने के पीछे एक खास बात ये भी रही कि लगभग 120 साल के बाद ऐसा मौका आया जब रीवा रियासत की किसी बेटी को संतान के रूप में बेटे के पैदा होने का सौभाग्य मिला। आपको बता दें कि मोहिना कुमारी सिंह अब एक्टिंग की दुनिया से दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए खूब एक्टिव रहती है। अब वो एक यूट्यूबर बन चुकी है। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, इसका नाम मोहिना व्लॉग्स है, जहां वो फैंस संग अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।